सियासी मिजाज के नए नए मौसम वैज्ञानिक बने जयंत चौधरी की डील तो बीजेपी से उसी दिन फाइनल हो गई थी जिस दिन बड़े चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था। लेकिन अब उस डील पर योगी कैबिनेट विस्तार ने पक्की वाली मुहर लगा दी है। शपथ लेने वाले चार मंत्रियों की लिस्ट में अनिल शर्मा भी हैं, जिन्हें आरएलडी कोटे से मंत्री बनाया गया है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मौका दिया है, मैं धन्यवाद करूंगा उनका। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि जयंत चौधरी को बीजेपी से जो कुछ मिला है वो बहुत कम है। तो पहले ये जान लेते हैं कि एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी को बीजेपी से आकर मिला क्या है। लोकसभा की दो सीटें बिजनौर और बागपत, यूपी सरकार में आरएलडी को एक मंत्री पद, आरएलडी को विधान परिषद की एक सीट, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो एक मंत्री पद। लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कम से कम चार सीटों की डील तो जयंत कर ही सकते थे, जबकि इंडिया गठबंधन से उनकी सात सीटों की डील फाइनल हो चुकी थी। तो फिर वजह क्या है कि आखिर जयंत चौधरी बीजेपी से तालमेल नहीं कर सके। सियासी जानकार इसके पीछे कुछ फायदे वाली तो कुछ डर वाली वजह बता रहे हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देकर पूरे चौधरी परिवार को अपना मुरीद बना लिया है। जयंत चौधरी को भी ये एहसास हो गया है कि सत्ता के साथ रहोगे तो मुंह मांगी मुराद मिलेगी। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि तमाम विपक्षियों के पास बारी बारी से ईडी और सीबीआई का समन पहुंच रहा है, कुछ तो जेल के सलाखों में भी पहुंच चुके हैं, तो क्या जयंत को भी ऐसा ही कुछ खौफ था। हालांकि जयंत के पक्ष से सोचने वाले ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर भले ही आरएलडी को मिलने वाली सीटों का कोटा एनडीए की तुलना में काफी ज्यादा होता, लेकिन उनके जीतने हारने की संभावनाओं और नतीजों के बाद की स्थिति ही आकलन के लिए मैदान उपलब्ध करा पाती। अगर बीजेपी की बात करें तो यहां भी नतीजों के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन बानगी के तौर पर बीजेपी ने कम से कम यूपी की योगी सरकार में जयंत को एक मंत्री पद तो दे ही दिया है, एमएलसी में हिस्सेदारी मिल गई है, और अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक ठोक देती है तो इस बात के भी आसार हैं कि पहले से ही राज्यसभा में बैठे जयंत चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।